आपको वाकई 90% फोड़ना है तो आपको दोस्तों प्लान, अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है तो वेरी इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता रहा हूँ, आप अपने लिए नहीं पढ़ सकते तो अपने माता पिता के लिए पढ़ो, जो आपको इस कोरोना जैसी पेंडेमिक में आपके स्कूल की फीस, कोचिंग की फीस और ज़रूरी चीज़ें आपको दे रहे हैं उनके लिए आप पढ़िए, जो आपसे कुछ उम्मीदें लगाए हुए बैठे हैं, जो आपसे कुछ स्वागत है दोस्तों लगाए अपनी यूट्यूब चैनल साकिब क्लास से। दोस्तों अगर आप भी 10-12 के स्टूडेंट हैं तो आपके मन में आज एक ही सवाल है कि नवम्बर से पढ़ कर 90% कैसे लाएँ, वो भी 2022 की बोर्ड परीक्षा में। दोस्तों मेरा मानना यह है, अगर खुद पर विश्वास हो तो कभी भी शुरुआत करके 90% फोड़ा जा सकता है। दोस्तों आज की इस वीडियो में जो तरीका हम आपको बताएंगे ना तो आपकी स्कूल में मिलेगा, ना फिर कोचिंग में, और ना ही यूट्यूब के किसी भी चैनल पर ये तरीका मिलेगा जो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों एक बात बताइए, 2022 का जो टॉपर बनेगा वो कौन होगा? आपके ही क्लास का, आपके ही स्कूल का और आपके ही बोर्ड का स्टूडेंट होगा, ना कि कोई फरिश्ता नहीं होगा, ना ही कोई एलियन होगा और ना ही कोई अंतरिक्ष से आने वाला स्टूडेंट होगा। आप ही के क्लास का, आप ही के स्कूल का और आप ही के बोर्ड का स्टूडेंट होगा जो 2022 का टॉपर बनेगा। जब आप ही के क्लास का स्टूडेंट बन सकता है तो आप क्यों नहीं बन सकते? आपको अपने हौसले को बढ़ाना है, बाकी तरीका तो हम आपको बता ही रहे हैं। दोस्तों जो टॉपर स्टूडेंट होता है उसमें और आप में एक छोटा सा अंतर होता है, एक छोटा सा फर्क होता है। क्या फर्क होता है? वो प्लानिंग से पढ़ता है, ठीक है, वो क्या करता है, प्लानिंग से पढ़ता है, प्लान करके पढ़ता है कि पहले ए पढ़ूंगा उसके बाद ए पढ़ूंगा, और वही पढ़ता है जो इम्पॉर्टेंट होता है। ये नहीं है कि पूरी बुक ही पढ़ता है, पूरी बुक टॉपर स्टूडेंट कभी भी नहीं पढ़ते, वो सिर्फ उन चीज़ों को ज़्यादा फोकस करते हैं जो जो इम्पॉर्टेंट होते हैं। साइंस उनके लिए हर विषय इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि हर विषय से उनको 100 नंबर मिलता है, किसी से 50 नहीं मिलता, हर विषय से उनको 100 नंबर मिलता। और मेरे भाई टॉपर भी वही तो बुक पढ़ता है जो आप पढ़ते हैं, उसके पास वही बुक, वही रात, वही दिन और वही दो हाथ, वही दो पैर और एक ही दिमाग है। जब उसके पास सेम वही चीज़ें हैं जो आपके पास हैं तो आप टॉपर क्यों नहीं बन सकते? क्या कमी है कि आप टॉपर क्यों नहीं बन सकते? टॉपर बनने के लिए आपको करना क्या है? आपको अपनी तैयारी की शुरुआत आज ही से करनी होगी, क्योंकि अगर आप कल पर टाल देंगे तो कल कभी नहीं आता, कल कल ही रहता है, तो आज से आप तैयारी करिए मेरे भाई। और अगर आपको वाकई 90% फोड़ना है तो आपको बेस्ट प्लान बनाना होगा, बेस्ट टाइम टेबल बनाना होगा। नवंबर से, नवंबर 2022 से आपको अपना टाइम टेबल खुद बनाना होगा। आपको यूट्यूब के किसी वीडियो को नहीं, स्कूल से नहीं, कोचिंग से नहीं, आपको अपने हिसाब से ही टाइम टेबल बनाना है। जब आपको टाइम मिले तभी आप टाइम टेबल बनाइए, क्योंकि यूट्यूब की वीडियो में वो अपने हिसाब से बताएंगे, स्कूल वाले अपने हिसाब से बताएंगे और कोचिंग वाले अपने हिसाब से बताएंगे, लेकिन उस टाइम टेबल को फॉलो आपको करना है, इसलिए आप अपने हिसाब से उस टाइम टेबल को बनाइए। और हर विषय के बाद 10 मिनट का रेस्ट लें, क्योंकि अगर आप लगातार पढ़ेंगे तो आप जो पढ़ेंगे वो भूलता चला जाएगा, इसलिए आप हर विषय पढ़ने के बाद 10 मिनट थोड़ा आराम करें, उसके बाद अगला विषय आप पढ़िए। और आपको क्या करना है, अगर आप अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े हो तो आपको हर विषय के चैप्टर्स को कैलकुलेट करके एक चार्ट पेपर में तैयार कर लेना है, और आपको लिखना है कि वो कितने मार्क्स से पूछे जाएंगे। जैसे ये 10 हो गया, 6 मार्क्स का, जितने मार्क्स के क्वेश्चन होंगे उनके सामने आपको नंबरिंग करना है, और हर चैप्टर में आपको केवल 5 दिन देना है, क्योंकि अगर आप 5 दिन देते हो, जैसे फिजिक्स मान लो 12 चैप्टर है तो 12×5=60, 1 महीने में आप का फिजिक्स तैयार हो जाएगा। इसी तरह केमिस्ट्री, इसी तरह इंग्लिश और हिंदी और बायो और मैथ, इसी तरह से आपके सभी विषय तैयार हो सकते हैं। और 1 महीना बचेगा जिसमें आपको केवल रिवीजन करना होगा, उसके बाद आप कहोगे कि 90% लाना तो चुटकियों का काम है। उसके बाद आपको क्या करना है, चलिए हम आपको बताते हैं।
उसके बाद जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे उन्हें तो आपको कतई नहीं छोड़ना है। हर साल पूछे जाने वाले प्रश्न को आपको एक जगह नोट डाउन करते रहना है और उन्हें आपको डेली एक क्वेश्चन आपको तैयार करना है, एक नहीं तो दो तीन जितना आप तैयार कर सके। हर साल पूछे जाने वाले प्रश्न को आप डेली तैयार करते रहिए और लॉन्ग प्रश्न ज़्यादा से ज़्यादा तैयार कर लो, क्योंकि क्या होता है लॉन्ग प्रश्न जब आप तैयार करते हैं तो उसमें शॉर्ट आंसर टाइप अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसी लॉन्ग आंसर में से शॉर्ट आंसर टाइप का क्वेश्चन भी हो जाएगा और लॉन्ग प्रश्न का उत्तर भी हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, सरल यानी जो इजी चैप्टर है, जो सरल चैप्टर है उनको आपको रट ढालना है। यानी कहने का मतलब ये है कि सरल चैप्टर में आपको जहाँ कहीं से भी पूछा जाए उसमें क्या होता है, सरल चैप्टर में दो तीन नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन्हें आपको अच्छे से तैयार कर लेना है ताकि आपका एक भी नंबर छूटने ना पाए। आपको किसी भी तरह करके मेहनत करके आपको जनवरी तक कुछ भी करके अपना कोर्स कंप्लीट करना है। अगर आप जनवरी तक अपना कोर्स कंप्लीट कर लेते हो तो फरवरी में सिर्फ आपको रिवीजन करना होगा, जिससे आपकी तैयारी प्रॉपर तरीके से हो जाएगी और 90% आपको लाने से कोई भी नहीं रोक सकता। और इस वीडियो को अपने